गड़बड़ करके गए, ताला तोड़ के गए हैं। औरतों को गाली देना बहुत गलत है। ये बात की सारे दूसरी बात, ये जो फालतू भाड़े के गुंडे वो ये सब नहीं चलेगा। टोरेंट के अधिकारी नहीं थे बल्कि टोरेंट के गुंडे लोग थे, ये लोग बता रहे लोग। यहाँ के जो इनके लोकल जो यहाँ के प्राइवेट गुंडे हैं वो आकर के औरतों को गाली गलौज करते हैं, तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर स्टील इलाके के भोलेनाथ नगर में टोरेंट पावर के कर्मचारियों पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगा है, मगर वहीं टोरेंट के कर्मचारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी महिला के साथ अभद्रता नहीं की है। दरअसल भोलेनाथ नगर में टोरेंट पावर कर्मचारी गरीब नवाज सोसाइटी में नया टोरेंट का मीटर लगाने पहुंचे थे और लोगों का आरोप है कि सोसाइटी वालों को बिना टोरेंट पावर ने नोटिस दिए ही मीटर के केबिन का ताला तोड़ दिया। वहीं मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया और मीटर के केबिन में जो ताला लगा हुआ था वो काफ़ी छोटा है, उस ताले को तोड़ने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने जब उस छोटे से ताले को लोहे के दोनों रॉड में लगाने की कोशिश की तो वो ताला लग नहीं रहा था, मगर सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पहले ये ताला लगता था, टूटने के बाद नहीं लग रहा है। मीटर बदलने के लिए काफ़ी हंगामा हुआ, सोसाइटी के लोगों ने मीटर नहीं बदले करने दिया। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करवाया और सोसाइटी के लोगों को और टोरेंट कर्मचारियों को डायघर पुलिस अपने साथ लेकर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन गई है। बहरहाल टोरेंट पावर के खिलाफ शहर में अब आम जनता भड़क रही है और टोरेंट कर्मचारियों को आम जनता का विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। टोरेंट पावर के विरोध में नगर सेवक शाहआलम और भी अन्य लोगों ने और सोसाइटी की महिलाओं ने क्या कुछ आरोप लगाया है, सुनिए। ये जो फालतू भाड़े के गुंडे वो ये सब नहीं चलेगा। हमने उसको बुलाओ बुलाओ अंदर घुसा कैसे हो? मना कर रहा है, तुमने एक और मना कर रहा है। बहुत सारे लोग के सर बोल के अपना काम कर, अपना काम कर। साहब विचारो 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 एक घड़ी है ना इस्लामुद्दीन, पाँच मिनट की बात करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारे काम में काम करो। ज्वाइंट ही नहीं हो रहा है, वो थे ही थे, एक्चुअली ही थे। सामने घर है ना इनका, ये हा ताळा बसत नाही। हा दरवाजा आहे ना, हा इतका कायम सर बंद असतो, इथून दोन माणसं येऊ शकतात। हा थोडासा प्रश्न येतो मला, एवढं कळतो ये देखो यहाँ पे औरतें लोग हैं, ये लोग जानते हैं।
किसके किसके साथ किया है वो जवाब देगी। काली गलत हम लोग के साथ किया ना मैडम, आ गया ना आप ऐसा आ गया बोलिए। वो क्या हुआ था? वो बड़बड़ करके गए, ताला तोड़ के गए हैं। हम लोग मना किए तो नहीं सुने। कल भी आए थे लोग, ये इन्होंने देखो रीडिंग लिख गई है, समझे रीडिंग लिख गए, हम लोग कुछ लिख के गए कल, इन्होंने देखा था, मैं नहीं थी, ये देखे तो ये मुझे अभी बोले क्यों आए, तो मैंने मुझे बोलना चाहिए था, तो वो समझे कि मैं आपा समझी के रीडिंग लिख रहे हो। ये बात क्या हुआ था फिर? आपने बोला जब तो चिल्ला पुकार गाली गलौज भी किए ना? हाँ वो गाली दी, वो जब तक आप लोग ऊपर से आ रहे थे सारे के सारे ऊपर से आ रहे थे, तुम लोग कहाँ गए? औरतों को गाली देना बहुत गलत है ये बात। फिर सारे के सारे आदमी ऊपर से आए तो ये लोग चले गए थे, पहले गाली दे रहे थे और टप्परी दिख रहे थे, उनको टप्परी दिख रहे थे, बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, मैं खाली नहीं कर रहा हूँ ना, लगा रहा हूँ ना, ऐसा बोल रहे थे। भागा कैसे स्पीड में ना? हाँ भाग गया हो, जब आदमी सारे उतरे ना तो लोग चले गए चुप। कितने लोग थे? एक्स्ट्रा दो चार लोग दो लोग नहीं नहीं कल दो आए थे यहाँ पे, कम से कम 7-8 जन आए थे, पता नहीं था बिल्कुल समझे। अच्छा तोड़े क्या ताला इधर क्या तोड़े थे? ये पतला से ताला एक अटका रहता है, इसके ऊपर 2-3 ताले लूज हो जाते थे, बेकार हो जाते, ये अटका था, ये जो बैलेंस अटैक से जो है ना ये फंस नहीं रहा, नहीं तो इसमें फंस जाता था। अच्छा समझे, नहीं गाली ऐसे दे रहे थे वो, दो ठोकरे थे टपोरी थे एकदम, लोकल बात कर रहे थे वो, हम लोग बोले क्यों खोल रहे थे, बोलते हम लोग टोरेंट वाले हम लोग करेंगे। अच्छा। कोई नोटिस नहीं दिया, ये लाइट काट दिए थे सब, लाइट बिल्डिंग के काट दिए थे, बिल्डिंग की लाइट काट दिए सब, मीटर की लाइट है वो, सब उतर के आए नीचे तो फिर ज्वाइन मारे, ये पैसे का नहीं लगा के बोले। क्या बोल रहे थे काटने की वजह? कुछ ऐसा कुछ बताया उन्होंने? मीटर बदलना है, मीटर बदली करने आए बोले, मीटर सब आदमी फौरन आ गए ना, कुछ नोटिस वगैरह दिए? आप लोग के मीटर में कुछ फॉल्ट है? तो मीटर में फोल्ड नहीं तो फिर क्यों बदल रहे? बोले टोरेंट का पूरा मीटर लगाना है, टोरेंट की तरफ से पूरा मीटर लगाना है नया, जबकि नोटिस भी नहीं दी गई, कुछ नोटिस नहीं है, कुछ पूछताछ नहीं है, कुछ एक्चुअली ये सोसाइटी है तो एक नोटिस यहाँ पर जारी होना चाहिए ना, पहले तुम आते के साथ घुसते के साथ बिना इन्फॉर्मेशन के तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये सोसाइटी है। बिल्डिंग वालों को बगैर बताए नहीं तो कुछ इंटीमेशन किए कुछ नहीं, और बगैर बताए ना लेटर दिया ना कुछ दिया, सीधा घुसे और बोले कि नहीं मीटर बदलना है, टोरेंट का मीटर लगेगा, क्यों लगेगा? मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ से अगर कंप्लेंट जाती कि भाई हमारे मीटर में फॉल्ट है तो उनका काम बनता था ये चीज करने। नहीं नहीं पहले दीवा में लगाओ, शिरगांव में लगाओ। क्या नाम सोसाइटी का? क्या नाम बिल्डिंग का? शालम भाई, यहाँ पर आज टोरेंट के कर्मचारी आए थे मीटर बदलने के लिए, क्या था ये पूरा मामला? नहीं नहीं टोरेंट के अधिकारी नहीं थे, बल्कि टोरेंट के गुंडे लोग थे, ये लोग बता रहे लोग कि सादे ड्रेस में थे लोग आए और बिल्डिंग के जो इनका कैबिन है उसका ताला तोड़ा, औरतों ने जब उनसे पूछा कि काय के लिए ताला तोड़े तो लोग ने उनको औरतों को गाली भी दी, मीटर चेंज करने बोला। जब उस वक्त जब हम लोग आए तो कोई एक अधिकारी था बस, बाकी कोई नहीं थे, जो ताला तोड़े ये लोग सब चले गए थे। इससे पहले भी हमारे वार्ड में हुआ था शिवली नगर में, हमारी एक ही मांग है हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जो मीटर चल रहा है इस वक्त बिलिंग का, बिलिंग सिस्टम जब तक ये लोग सही नहीं करेंगे, और जब तमाम मीटर है अगर मीटर फॉल्ट है आप मीटर चेंज करो, हम नहीं बोलेंगे मीटर के, अगर उस रूम में उस बिल्डिंग में अगर मीटर नहीं तो आप लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब MCDCL का दिए हुआ मीटर है आज 15-15-20 साल पुराना ये बिल्डिंग है तो इसको क्यों मीटर चेंज करने की जरूरत आ रही, क्या प्रॉब्लम है इस मीटर से? आज तक हम लोग जो यहाँ के रेसिडेंट थे हर कोई इसी मीटर पे बिल भर रहा था ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल के अंदर नहीं भर रही थी, बिलिंग हो रही थी, तो इस मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मीटर में कोई फॉल्ट है आप मीटर चेंज करो, बाकी कोई लोग बोल रहे हैं कि हमने लोगों को नोटिस सोसाइटी में आई थी पुलिस गरीब नवाज बिल्डिंग में, फिर पुलिस के लोग भी आए, उन लोग ने भी देखे जाके मुआयना किया कि मतलब ताला तोड़ा गया, उनमें भी देखे, हमने भी बताया कि देखो औरतों को साहब इन लोग ने गाली दिया ताला तोड़ा, इसकी वजह से लोग पब्लिक मतलब एकदम इनके खिलाफ हो गई थी। तो पुलिस अभी यहाँ पर आई थी क्या हुआ? हाँ पुलिस आई थी, उनको समझा के लेके गए, वो लोग टोरेंट वाले भी चले गए और सोसाइटी के जो लोग हैं अभी हमको पुलिस ने बुलाई, अभी हम मैं हूँ कमरुल हुदा है, जफर है, नदी आदिल भाई है, हम 4-5 जन को उन लोगों ने बुलाया क्योंकि हम दोनों इस वार्ड के हम लोग नगर सेवक है, तो अभी हम लोग चौकी जाने वाले और औरतें जो इनको गाली वाली दी है क्या है क्या नहीं वो सारी बातें अभी चौकी में पुलिस स्टेशन में होगी बात इनसे। तो घटना इनकी काफ़ी मतलब एक तरह से रंगदारी नहीं वसूली जाती है उस तरह से इनका चक्कर है, अभी शिवली का कम्प्लेक्स में बकायदे गए थे और इन्होंने जिसका मीटर काटा था जिसको नोटिस भेजा था 25,000 की नोटिस भेजा था
उसमें बाकायदा हम लोगों ने जब बिल को स्टडी किया तो 22,000 रुपये इन्होंने गलत भेजा था और इन्होंने माना उसको तुरंत कम भी किया। हमारी डिमांड इनसे ये है कि आप अगर MSEDL से है, इतना कम किए थे उसमें से 22,000 रुपये कम किया, सिर्फ 3,000 भरना बताइए और उसको नोटिस भेज दिया। हाँ, उसके बावजूद भी नोटिस भेज दिया था, आपकी गलती है, उसके बावजूद नोटिस भेजते हैं। और जून के महीने में 2,083 एक आदमी का यूनिट आया जबकि मकान बंद था, तो इनका टोटली गलत है। CDL से जो डिमांड, MSEDL के जो डिस्प्यूट है, इनसे क्या मतलब है? इनसे कोई मतलब नहीं। MSEDL से जो हमारे वो डिमांड है, हमारी क्या डिस्प्यूट था उनसे, हमने क्या कंप्लेन किया था, आपको कैसे पता चला? आप डाटा के बेस पर चले आते हैं तो आपको कोई हक नहीं है उस डिस्प्यूट को आप हल नहीं कर सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए। आपका जो मीटर जब से मार्च से आप आए हैं, अगर आपका जो सही आ रहा है और उसके बाद कोई जमा नहीं कर रहा है, तब आप नोटिस भेजिए और नोटिस भेजने के बाद उसको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत, कई जगह ऐसे ही जाके किया है कि इन्होंने काट दिया, पुलिस के साथ चले आते हैं। हम लोगों ने बाकायदा पुलिस कमिश्नर को इसके लिए लेटर लिखा है कि आप टोरेंट कंपनी के लिए नहीं बने हैं, पुलिस वाले जनता के लिए बने हैं, जनता के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। वो ऐसा चले आते हैं कि प्राइवेट कंपनी के वो बाकायदा एम्प्लॉय हो गए हैं, ऐसा लगता है। आप जनता की सुननी है, जब तक आपके जनता के खिलाफ या उनके जनता कोई गलत करती तब पुलिस को आना चाहिए, लेकिन पर्स आती है और जनता डर जाती है और उनके हवाले हो जाता है। अभी तो आज बहुत खतरनाक हुआ, आकर के औरतों से गाली गुलज किया उनके गुंडों ने, बाकायदा उसका ताला तोड़ा, ये कहाँ से इंसाफ है? कहीं से नहीं है। तो इन कंपनी से हमारी डिमांड है, पहले अपने सिस्टम को सही करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि लगभग एक घंटा पहले हम लोग ऑफिस में बैठे थे, वहाँ गरीब नवाज बिल्डिंग के लोगों का फ़ोन आया कि टोरेंट वाले आए हैं और औरतों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से आकर के पहुँचे, जब यहाँ देखे तो यहाँ टोरेंट के कुछ वर्कर वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ जो काम कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो? सबसे पहली गलती तो आपकी ये है कि जब जानते हो कि अभी विगत पिछले हफ्ते शिबली नगर में ये मामला उठा था कि आप हमको बता करके तो इन्फॉर्म करके कोई चीज़ करो। मैं उनसे यही पूछा, जो यहाँ का मीना साहब या क्या नाम है उसका, उससे मैं पूछा, मैं बोला आप बिल्डिंग में आए हो, आपने बिल्डिंग के चेयरमैन जो है सेक्रेटरी है या खजांची है किसी को आपने लेटर दिया कि हम आए आपके यहाँ मीटर चेकअप करने के लिए या मीटर चेंज करने के लिए? उनके पास जवाब था, हमने दिया। मैं बोला रिसीप्ट दिखा दो आप किसी चीज़ का, और अगर आप चेंज करते हो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों को पहले आप उनको जागरूक करो। अगर आपके बस में नहीं होता है तो आप आओ लोकल कॉर्पोरेटर के ऑफिस में, वहाँ बात करके जिस बिल्डिंग में आपको चलना है आप चलो वहाँ पे, हम वहाँ के लोगों को वहाँ के जिम्मेदारों को बुला करके बात करते हैं, बात करके किस तरह से होगा, क्या हुआ, जो यहाँ पे घटना घटी उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मामला है, यहाँ के जो इनके लोकल जो यहाँ के प्राइवेट गुंडे हैं वो आकर के औरतों को गाली गलौज करते हैं। तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया कि आप आइए और इन लोगों को देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी 4-5 बिल्डिंगों की, इस वजह से पुलिस आई और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए वो बोली आप दोनों लोग पुलिस स्टेशन में आओ, वहाँ बैठ करके क्या मामला है, हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के पास, वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर के पास जो भी बात होगी आगे क्या होगा उसका हम लोग आपको अवगत कराएंगे। ओके। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।